हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आफिया'स किचन। आज हम बनाएंगे लहसुनी पालक। सबसे पहले हमें पालक को ब्लांच करना है, जिसके लिए मैंने पानी बॉईल किया है और ऐड किया है 200 ग्राम पालक। इसे हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल करना है। पालक को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। पालक को बॉईल होते हुए 1.5 मिनट हो गए हैं। इसे अब निकाल कर इमीडिएटली ठंडे पानी में डालना है। पालक में से पूरा पानी निकाल कर इसे ग्राइंड करना है। मैं 75% पालक जो है उसे ग्राइंड करने वाली हूँ और 25% को चॉप करूँगी। फिर पैन में ऐड करना है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा को सॉटे करेंगे। फिर 2 से 3 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन और 1 टीस्पून धनिया को क्रश करके वो ऐड किया है। इसे 1 मिनट तक सॉटे करना है। फिर ऐड करेंगे 1 छोटी साइज का बारीक कटा प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे बस थोड़ा सॉफ्ट करना है। प्याज को सॉफ्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि उसका कच्चापन चला जाए। बेसन को बाइंडिंग के लिए डाला जाता है और इससे ग्रेवी भी थिक होती है। बेसन का कच्चापन जाने के बाद ऐड करेंगे चॉप्ड पालक। पालक को 1 मिनट तक सॉटे करना है। फिर ऐड करेंगे पालक प्यूरी। जार में थोड़ा पानी डालकर वो ऐड किया है। इन सब चीजों को मिक्स करना है। नमक स्वादानुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। पालक को हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। पालक पकने तक इसका तड़का तैयार करेंगे। पैन में ऐड किया 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद ऐड करना है 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक सॉटे करके गैस ऑफ करना है। पालक को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, इसे एक बार मिक्स करेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। लहसुनी पालक अब तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।